सुप्रभात मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजा माने? मारू नाम पूनम पर्यारी छे। हूँ तमारी गुजराती विषयनी शिक्षक छू। आजे आपणे गुजरातीमां करवाना छे भाग नंबर 4 थी अत्यंत सुधीना मात्रा वाला शब्द, एमां भाग नंबर 12। ओके, तो पेज नंबर 37 सब्जने ओपन करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। यस, आपने एक्सरसाइज से नीचे ना शब्दों में ऊनी मात्रा लगाओ, छोटे ऊनी मात्रा कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? लहार। तुम्हारा शब्द क्या बनेगा लहू की मात्रा लगाने से? लोहा। तो हम यहाँ पर ऊनी मात्रा लगाएंगे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, सखी। सखी होता है, लेकिन इधर हमको उसकी मात्रा लगानी है। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? यस, सुखी। क्या बनेगा? सुखी। तो अभी क्या उनकी मात्रा लगानी छे। देना पची कणाल, इस पर खेलो छे कणाल। कणाल नहीं होगा, क्या होगा? कुणाल। तो यहाँ पर हम थोड़ा को उनकी मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कुणाल। इसके बाद गलाम। गलाम, गलाम शब्द नहीं होता, उनकी मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुलाम। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? गुलाम। ओके, नाउ नेक्स्ट, कसम। कसम नहीं होगा, उनकी मात्रा हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुसम। कुसम तो नहीं होता रेशा, क्या होगा? सर को भी हमको उनकी मात्रा लगानी पड़ेगी, तब हमारा नाम बनेगा क्या? कुसुम। ओके, यहाँ पर कपूर की मात्रा, सर को उनकी मात्रा कुसुम। नाउ नेक्स्ट, सपत्र। सपत्र में मात्रा किसको आएगी? स को और क को। सुपुत्र। क्या बनेगा हमारा शब्द? सुपुत्र। आप भी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज कर रहे हैं मैम के साथ। नाउ नेक्स्ट, सपत्री। सपत्री नहीं होगा, स और क को कौन सी मात्रा लगेगी? यस, उ की मात्रा। है हमारा शब्द बनेगा सुपुत्री। क्या बनेगा? सुपुत्री। नाउ नेक्स्ट, सखड़। सखड़ में किसको मात्रा आएगी? यस, स को। तो शब्द बनेगा सखड़। सशीला। सशीला नहीं होगा, क्या होगा? स को की मात्रा लगेगी तो हमारा नाम बनेगा सुशीला। पहले यहाँ पर हम उनकी मात्रा लगा देंगे सुशीला। नाउ नेक्स्ट, तलसी। तलसी में क्या होता है पौधा? यस, तुलसी का पौधा। तो इधर क को की मात्रा तुलसी। नेक्स्ट, सा। तो कौन सी मात्रा? यस, उ की मात्रा। तो क्या बनेगा? साधु। ओके, और ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, आपको देखना है कि इसमें मात्रा कहाँ लगेगी। नाउ नेक्स्ट, चित्र जोई खाली जगह पूरो। यहाँ पर हमको पिक्चर दी गई है, ये किसकी पिक्चर है वो हमको बताना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कुणाल। अच्छी पिक्चर, सिली पिक्चर छे। यस, रोज की ना। कौन सा फूल है ये? गुलाब का फूल। तो आपने गुजराती में सुलखसु कुणाल गुलाब ला, सुलखन छे कुणाल गुलाब ला।
इसके बाद की हमारी एक्सरसाइज है चित्र में चित्र जोई ने योग्य नाम साथे जोड़ो। ओके, चित्र देकर हमको जो इसका सही नाम है उसके साथ हमको जोड़ना है। ओके, चित्र जोई ने योग्य नाम साथे जोड़ो। ये चित्र आपको किसका दिख रहा है? यस, किसका चित्र है ये? पुल का। तो इसको हम किसके साथ जोड़ेंगे? पुल के साथ। यहाँ पर देखो पुल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, ये तो साधु लिखा हुआ है, ये तो साधु लिखा हुआ, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा पुल, ये रहा पुल। इसके बाद ये किसका चित्र दिख रहा है आपको? यस, किसका है? साबुन का चित्र। ओके, साबुन कहाँ लिखा हुआ है? यस, यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम साबुन के साथ जोड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये किसका पिक्चर है? यस, दुकान का। इसमें दुकान कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा दुकान, तो इसको हम इस दुकान के साथ जोड़ेंगे। इसके बाद ये किसका पिक्चर दिख रहा है? यह साधु बाबा बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो साधु कहाँ लिखा हुआ है? यस, ये रहा साधु, तो इसको हम साधु के साथ जोड़ेंगे। ओके, तो आज हमने पेज नंबर 37 कंप्लीट किया। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज कर लेनी है। इसके बाद के वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन जय श्री कृष्ण, गॉड ब्लेस यू ऑल।